स्टार्ट कर लेते हैं हमारा कल वाला क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है सो लेट स्टार्ट टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ओके मैं जल्दी से एक बार वो पढ़ लेता हूं जो भी सम के अंदर था वो वाला पॉइंट अभी नहीं पढ़ूंगा दैट आई डू नॉट रिक्वायर पॉइंट नंबर टू इज ऑफ नो यूज टू मी क्योंकि वो वाला फर्स्ट थ्री लोगों का प्लान था ठीक है सो दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग अक्षय का डेटा नाउ अक्षय परसेंटेज बोनस प्लान के ऊपर था ठीक है तो क्वेश्चन नंबर इलेवन से स्टार्ट हो रहा हूं पड़ी जरा प्लीज ड्यूरिंग ऑफ डी कंपनी वर्कर्स एंड ही वर्क इज इज paid for downtimes that is फॉर machine is under repair or the worker is without work स्टैंडर्ड वर्क वीक इज is 40 फॉर For overtime, द वर्कर्स पेड एट at 150% of ऑफ द rates. चलिए ठीक है ये पॉइंट नंबर one जो है ये सारे के सारे वर्कर लोगों को अप्लाई होगा सारे के सारे को ओके okay. उसके बाद परसेंटेज बोनस प्लान ओके Now second पॉइंट आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रीडिंग also। ओके आई एम ट्राइंग टू रीड द थर्ड पॉइंट अभी देखो यहां पे ना कुछ ना कुछ वर्ड्स हैं

तो ये वाला डेटा आपको अक्षय के लिए ध्यान से पढ़ने का है मैं क्या कर लेता हूं दिल बी स्लाइटली बेटर फॉर मी मैं यहाँ पे फर्स्ट थ्री जो वर्कर्स है ना उन लोग की कहानी खत्म हो चुकी है तो आई डिलीट दोज पर्टिकुलर थ्री थिंग्स ओके अभी आप लोग अक्षय की कहानी पढ़ना एक सेकेंड ना डिलीट कर देता हूँ ठीक है अभी आप लोग अक्षय की कहानी फिर से पढ़ना पॉइंट नंबर वन तुम लोग को याद है शायद ओके okay? और वैसे भी अक्षय के लिए यहाँ पर कोई मेरे ख्याल से डाउन टाइम वगैरह तो है भी नहीं तो आप लोग अभी पॉइंट नंबर थ्री पढ़ो आराम से और अक्षय का मेरे को अमाउंट बताओ जिन लोगों ने टेलीग्राम के ऊपर वो मैसेज किया था अराउंड आई थिंक देवर थर्टी फोर पीपल सो आई एव रिप्लाइड टू दो पीपल उनका करेक्ट है कि नहीं है दे ऑल गॉट इट रॉन्ग बट देन इन एंड दे ऑल गॉट इट करेक्ट ऑल्सो ओके उन लोगों ने अपना मिस्टेक आइडेंटिफाई करके करेक्ट वो कर लिया बाकी लोग तुम्हारे पास आ, चार मिनट हैं। फर्स्ट लाइन पढ़ के इंप्लीमेंट करते जाना जब तक एंड तक पहुंचोगे आंसर तुम्हारे पास होएगा। एक लाइन इंप्लीमेंट करो आंसर निकालो एक लाइन इंप्लीमेंट करो तो आंसर निकालो एक भी लाइन नहीं छोड़ना फर्स्ट लाइन से लेके एंड तक पढ़ते रहो जब तक लास्ट लाइन तक पहुंचोगे शायद आंसर खुद खुद ही आ जाएगा सिमरन करेक्ट है बेटा विजित करेक्ट है वही फाइनल आंसर है जो आपने डाला है सृष्टि करेक्ट है चलो एवरीबॉडी गिव योर आंसर्स प्लीज बस इंग्लिश इंप्लीमेंट करके आंसर ही निकालना है करेक्ट है उज्जवल बेटा दोज आर नॉट द टोटल वेजेस आप एक बार चेक करो जो आपने लिखा है वो करेक्ट है लेकिन दैट इज नॉट द तो फाइनल आंसर हिमांशु करेक्ट है चलो सुनो देखो मेरे को ना एक चीज का बहुत बड़ा दिक्कत है बस पढ़ के इंप्लीमेंट कर रहा हूं और मैं कुछ नहीं करने वाला अभी तुम लोग मत लिखना जब मैं बोलू तभी लिखना तो दिस विल बी वर्किंग नोट नंबर फोर जब भी अपने वो कॉपी करने का रहेगा लेकिन अभी मत कॉपी करना क्योंकि मेरे को एक बंदे का एक लाइन का बहुत दिक्कत है इधर ओके सुनो क्या लिखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन पर आर आर एस्टैब्लिश बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तो वो लोग बोलता है कि ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर आर निकालो तो मैं अक्षय का डेटा देखता हूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर आर चाहिए तो एक हफ्ते के अंदर इतना यूनिट्स बनाना चाहिए था ठीक है और मेरे को जरा बोलो एक हफ्ते के अंदर कितना कितने आर्स काम करना चाहिए था फोर्टी आर्स फोर्टी आर्स ठीक है टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर्टी तो एक घंटे के अंदर फाइव यूनिट बनना चाहिए था ठीक है सो so, दे okay. जो लाइन मैंने पढ़ ली मैं उसको कैंसिल कर रहा हूं ठीक है तो मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ के इंप्लीमेंट कर दिया माई दिस पर्टिकुलर जॉब इज कंप्लीटली डन नेक्स्ट लाइन द वर्कर्स एवरेज आर्ली प्रोडक्शन तो अभी ना वर्कर्स का क्या करने का है एवरेज आर्ली प्रोडक्शन उन लोगों को चाहिए ठीक है दे वॉन्ट वर्कर्स एवरेज आर्ली प्रोडक्शन ठीक है वो कैसे मिलेगा उन लोगों ने वो भी दिया हुआ है डिटर्मिंड फ्रॉम हिज टोटल आर्स यहां पे एक पंगा है यहां पे क्या लिखा है टोटल आर्स आर्स के आगे बोलो टोटल आर्स के आगे क्या लिखा है टोटल आर्स वर्ड एंड हिस्स प्रोडक्शन तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ना पहले वर्कर का एवरेज आर्ली प्रोडक्शन निकालो मतलब एक्चुअल के अंदर वर्कर ने हर आर के अंदर कितना यूनिट बनाया वो कैसे मिलेगा फ्रॉम टोटल आर्स वर्क एंड प्रोडक्शन ठीक है तो क्या करना उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन लेना उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन लेना और उसको आर्स वर्कड से डिवाइड कर देना सम के अंदर आर्स वर्कड वर्ड है तो स्पेशली आई एम ट्राइंग टू बी सेम को अभी सर ये डेटा देख के बोलो एक्चुअल प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का है एक्चुअल प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का है टू फिफ्टी ठीक है अभी मेरे को एक डाउट है और मेरे को हेल्प करना जो तुम्हारे मन में आए ना मेरे को वो चीज बोलना फॉरगेट अबाउट कि आईसी ने क्या किया रहेगा मेरे को बोलो तुम्हारे हिसाब से आर्स वर्ड मेरे को कितना लेना चाहिए मेरे ख्याल से तो थर्टी सिक्स ऑल दो इंस्टीट्यूट एज टेक फोर्टी बोलते सर फोर्टी क्यों फोर्टी क्योंकि इंस्टीट्यूट ने लिया है okay. ओके लेकिन मेरे हिसाब से तो थर्टी सिक्स ही होना चाहिए क्योंकि यहां पे वर्ड्स हैं टोटल आर्स वर्कड टोटल आर्स वर्कड अगर वो लोग को चाहिए होता कि हम लोग फोर्टी लेना वो लोग वर्कड वर्ड नहीं डालता अगर उन लोगों ने वर्क वर्ड डाला तो मैं वर्क तो फिर थर्टी सिक्स ही बोलूंगा क्योंकि फोर्टी के अंदर से आगे बोलो फोर आवर्स का तो डाउन टाइम था तभी तो वर्कर ने काम नहीं किया है ना सो वर्कर हैज एन वर्क फॉर दो इन दिस पर्टिकुलर केस आई एम डिवाइडिंग बाई थर्टी सिक्स ऑल दो डिवाइडेड बाई फोर्टी बट जस्ट वेट प्लीज कुछ कॉपी नहीं करना टेलेंट ओके okay? अगर 250 को 40 से डिवाइड करती हो ना तो 6.25 आता है ठीक है अगर यह वाला काम करोगे 250 फिफ्टी डिवाइडेड बाई थर्टी तो यह आ जाता है 6.94, ठीक है यहां पे एक सेकेंड आर्स वर्क इंटरप्रेटेड इंटरप्रेटेड एस 36 सिक्स आर्स एंड दिस इज 40 आर्स ठीक है सुन द वर्कर्स एवरेज आर्ली प्रोडक्शन वो निकाल लिया आई एम कटिंग ऑफ दिस लाइन ऑल्सो ठीक है द वर्कर्स एवरेज आर्ली प्रोडक्शन डिटर्म फ्रॉम हिस हार्ड वर्क एंड हिस्स प्रोडक्शन नाउ आई एम कंटिन्यूंग इज डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन टू डिटर्म एफिशियंसी रेशियो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो तुम लोगों ने फर्स्ट लाइन के अंदर निकाला था वहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ही निकाला था ना पर आर ऑब्वियसली ओके okay. तो वो लोग क्या बोलते हैं इस डेटा को स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पर आर से डिवाइड करके उन लोगों ने टर्म क्या दिया अपने को क्या मिल जाएगा एफिशिएंसी रेशियो ठीक है सो दे यहां पर आ गया एफिशिएंसी रेशियो ठीक है एफिशिएंसी रेशियो तो यहां पे आ जाता है 1.3889 यहां पे आ जाता है 1.25 ठीक है मैंने जो कंप्लीट कर लिया है मैं उसको अभी वो काट रहा हूं ठीक है सो दे फोर माई दिस पर्टिकुलर वर्क इज ऑल टूगेदर डन ठीक है बच गई मेरी लास्ट लाइन दिस इज देन टू टू हिज हिज बेस रेट क्या लिखा है आर्ली अर्निंग्स फॉर द पीरियड तो बेस रेट बेटा कितना है टू ट्वेंटी सो दिस फिगर इज देन अप्लाइड टू बेस रेट अप्लाइड बोले तो मल्टीप्लाइड नो तो और क्या ओके सो दे फोर इन टू बेस रेट तो वन वो कितना था टू पॉइंट टू टू पॉइंट टू ठीक है द मोमेंट यू विल डू दिस तो आप लोगों को यहां पर क्या मिल जाएगा आर्ली अर्निंग्स फॉर द पीरियड दिस इज आर्ली अर्निंग्स ठीक है सो दे फोर इन दिस पर्टिक्यूलर के आ जाएगा थ्री पॉइंट जीरो फाइव फाइव सिक्स और ये आ जाएगा टू पॉइंट सेवन फाइव ठीक है लेकिन ये तो आर्ली अर्निंग्स फॉर द पीरियड है तुमको तो टोटल अर्निंग्स चाहिए सो मल्टीप्लाई बाय वन थिंग नंबर ऑफ ओके नाउ तुमको एक चीज समझ में आएगा यहां पर 36 लूंगा यहां पे 40 लूंगा इन एंड ना चाहे मेरी बात सुनो चाहे इंस्टीट्यूट की बात सुनो तुम्हारा आंसर दोनों जगह पर सेम ही आने वाला है क्योंकि क्या हो जाता है एक बार हम लोग ये नंबर से डिवाइड करते हैं आगे बोलो ना एक बार फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इन एंड नो थिंग्स गेट कैंसल ओके लेकिन अगर मैं करेक्टनेट्स का बात करूं ना ओके आई थिंक थर्टी सिक्स ही आना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी सिंपल यहां पे ना उन लोगों ने आर्स वर्क लिखा हुआ है अगर टोटल आर्स लिखा होता ना I will try to match the following कि सम के न टोटल आर्ट्स में 40 लेकिन अगर आर्ट्स वर्ग लिखा हुआ है तो मेरे ख्याल से 36 ही होना चाहिए Although answer आंसर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है ये वाला जो आंसर है ये आईसीए का है ठीक है लेकिन सुनो सुनो सब this figure, this is wages as per plan। You will have to compare this particular thing with minimum wages।

मोमेंट यू ऑल डू दिस दिस विल बी नथिंग बट हायर ऑफ दब जो हम लोगों ने मेरे ख्याल से कल किया था ठीक है सो दे फोर आंसर इन एंड विल बी हंड टेन ओनली ओके अगर मैं एग्जामिनर हूं आई ओनली कंसिडर द फर्स्ट पार्ट एज करेक्ट ओके अगर ऐसे एग्जामिनर है ओके okay, जो भी उन लोगों ने ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा था दे गेव दिस पर्टिकुलर थिंग एज ये आंसर ठीक है अभी एक दिक्कत ना यू ऑल विल ऑलवेज फेस एंड इन फाइनल सी ए तो आई टेक योर लेवल टू समियर वेरी टाइनी टू यू ऑल आई सी ए बहुत चीजें गलत करता है बट क्या हो जाता है इन एंड नो आई हैव टू वरी अबाउट योर मार्क्स ऑल्सो ओके तो अगर कभी ऐसा है ना कि आई सी ए आई का आंसर तुम लोग को मालूम है कि गलत था

कैन बी टेकन एज थर्टी सिक्स ऑल्सो ठीक है तो वो करके यू ऑल कैन फिनिश इट ऑफ ठीक है ये कॉपी कर लो सब लोग ये ऐसे ही कॉपी करना द वे दैर इट इज देयर ये करो आई आइल जस्ट भी बैक एक मिनट और दे रहा हूं कंप्लीट कर लो ये हो गया सबका yes, चलो ठीक है सुन अभी लास्ट हुआ नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्स ठीक है वो काफी सिंपल है सुनो ओल्ड कोर्स के अंदर ना तो हेल्से करके एक ऑथर था तो रोवन करके एक ऑथर था वैसे ही ना इमर्सन करके भी एक ऑथर था जिसका स्कीम था ठीक है न्यू कोर्स के ना हैव रिमूव्ड है लेकिन वो लोग कोई भी ऑथर का प्लान लेकर आ सकता है इफ दे विल गिव यू द प्लान ठीक है इमरसन का स्कीम दिया हुआ है आप इम्प्लीमेंट करो उसको लास्ट तो दो लोग जो हैं वो इमरसन वाले बंदे हैं अभी इमरसन वाले बंदे पढ़ो जरा प्लीज उसका स्कीम क्या बोलता है मिनिमम वेजेस इज पेड फॉर प्रोडक्शन अपू सिक्सटी सिक्स टू थर्ड ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट और एफिशियंसी वेन द वर्कर्स प्रोडक्शन एक्सीड सिक्सटी सिक्स टू थर्ड ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट

महेश अनिल इमर्सन प्लान के ऊपर है इसलिए तो वो पढ़ रहे हैं ठोके यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है स्टैंडर्ड यूनिट्स है बेस रेट है और उसके बाद ये तो चलो वी विल हैव हाँ टू तो ट्राई टू वेरीफाई ओके मेरे को तुम लोग दोनों के आंसर देना ओके मेरे को महेश का भी आंसर दो मेरे को अनिल का भी आंसर दो। दोनों के आंसर मेरे को दो मेरे को मैसेज करना प्लीज चलो एक हिंट दे देता हूं मिनिमम वेजेस बोले तो पॉइंट नंबर वन के हिसाब से तो पहले वो तो कंप्यूट कर ही लेना जिन लोगों ने कल मेरे को आंसर्स बोल दिए थे गाइस माइट नॉट रिप्लाई आयुष करेक्ट है 99% of whatever you require is always there in the question so you search in case you all cannot be getting it you search harshi correct beta please total सिमरन गलत है चलिए सुनिए स्टार्ट कर लेते हैं देखो पहले ना बोनस के लिए मेरे को एफिशिएंसी लेवल तो निकालना पड़ेगा तन में करेक्ट है एक करेक्ट है एक रॉन्ग है सुनो अभी ध्यान से सुनना जो मैं तुमको बोलता हूं देखो बोनस निकालने के लिए मेरे को एफिशिएंसी तो चाहिए अभी एफिशिएंसी तुम लोग को भी एफिशिएंसी निकालने को नहीं आता मेरे को भी नहीं आता लेकिन मैं सोच लेता हूं तुम लोग महेश का डेटा पहले जरा देखो सब लोग महेश का डेटा देखो सब लोग सब लोग और मेरे को जरा बोलो सोच के मेरे को जरा बोलना सोच के मेरे को जरा बोलना वॉट डू थिंक महेशियंट और इन एफिशियंट इनएफिशियट उसको तीन सौ यूनिट बनाना चाहिए था उसने कितना बनाया टू फोर्टी अगर बंदा इनएफिशियंट होता है ना ये तुमको आगे जाके एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करके एक बहुत बड़ा चैप्टर है तब भी काम में आएगा अगर एक बंदा बंद होता है ना उसका इन परसेंटेज शुड बी मोर देन अगर वो इनएफिट होता है उसका एफिशियंस इन परसेंटेज विल बी लेसर देन हंड्रेड देखो उसको इतना यूनिट्स बनाना चाहिए था उसने इतना यूनिट्स बनाया तुम लोग बोला वो इनएफिट है अगर इनएफिशियट होएगा, तो आंसर लेस देन 100 होना चाहिए आंसर लेस देन 100 तभी होएगा व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर ओके तो मेरे को बोलो 240 और 300 के अंदर से विच नंबर विल कम इन द न्यूमरेटर 240 ठीक है तो मेरे को कोई फॉर्मूला फार्मूला तो नहीं आता लेकिन मेरे को इतना सोचने को आता है यू ऑल राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 5 महेश अच्छा तो सबसे पहले अपने को एफिशिएंसी चाहिए अच्छा एक मिनट एफिशिएंसी एक सेकंड जरा रुको 240 फोर्टी अपॉन थ्री हंड्रेड इन टू परसेंट अभी अगर फॉर्मूला लिखने का है क्योंकि ना कई लोगों को बहुत बुरा लगता है इफ दे डू नॉट राइट डाउन अ फॉर्मूला ओके इन एग्जाम्स ऑल्सो यू माइट नॉट राइट देर इज नो फॉर्मूला इन दिस वर्ड फॉर्मूलाज आर जस्ट द शॉर्टकट दैट वर्क इन सर्टन सिचुएशन ओके तो मेरे को फॉर्मूलाज बहुत कम आते हैं लेकिन अगर बनाने का मन है और कंट्रोल नहीं होता तो 240 बेटा क्वेश्चन के अंदर क्या था एक्चुअल प्रोडक्शन ऑब्वियसली इन 40 आवर्स और 300 क्या था स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 40 आवर्स ये कॉपी करो पहले इन टू हंड्रेड कर देना क्योंकि अपने को परसेंटेज के अंदर चाहिए सुनो अभी ध्यान से अभी ध्यान से सुनना देखो उन लोगों ने अभी क्या लिखा मिनिमम वेज इज पेड फॉर द प्रोडक्शन अप अपू सिक्स टू थर्ड ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट और तो पहले आप लोगों को मिनिमम वेजेस निकालना पड़ेगा मिनिमम वेजेस जो मिनिमम वेजेस है ऑब्वियसली वो कैसे कंप्यूट होगा तो सब लोग मेरे को बोलो व्हाट इंटू वट फोर्टीर्स इंटू टू सब लोग खाना खा के आए करो तो सॉलिड और बोला करो सॉलिड चलो 84 उसके बाद उन लोगों ने क्या बोला अगर आउटपुट तुम्हारा 66 सिक्स टू थर्ड सॉरी अगर एफिशिएंसी तुम्हारा 66 सिक्स टू थर्ड से ज्यादा होता है तो हम लोग तुमको बोनस भी देंगे तो 80 परसेंट है ना यार तो बोनस तो यहां पर देंगे ही ना यार ओके okay. अभी बोनस जो है फॉर एफिशियंसी ऑफ एटी कॉमा बोनस विल बी लोगों ने क्या लिखा था 80 परसेंट का एफिशिएंसी है तो बोनस आ जाएगा ट्वेंटी परसेंट अभी ख्याल से सात आठ लोग तो पूछ ही लिए मैंने रिप्लाई वो कर ही दिया था उनको सर 20 परसेंट बोनस तक तो पहुंच गए 20 परसेंट किसका कॉमन सेंस है बेटा ओके सपोज फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल अगर मैं तुमको एक नॉर्मल चीज बोलूं वंस यू बिकम सी एस योर स्टार्टिंग सैलरी से विल बी टू लाख रुपीज पर मंथ कंपनी इज गेविंग यू अ बोनस ऑफ ट्वेंटी परसेंट यू विल नेवर एवर आस्क स्टूपेड क्वेश्चन सर ट्वेंटी परसेंट ऑफ वॉट मेरे को बोलो ट्वेंटी परसेंट विल बी ऑफ वॉट ऑफ योर सैलरी ओनोके उन लोग को इतना मिलने का था उसका ट्वेंटी परसेंट तुम बोनस दे दो तो और क्या ट्वेंटी परसेंट ऑफ एटी फोर ये कितना आता है बेटा सिक्सटीन पॉइंट एट आता है बस दिस विल बी टोटल वेजेस एंड ऑनेस्टली नो

यहां पर 84 था 100.8 था तो 100.8 पॉइंट एट एंड लास्टली सब लोग अभी एक काम जरा वो कर लो एंड फिनिश इट ऑप बाईर सेल्फ ओनली अनिल का तुम लोग कहानी स्टार्ट करो और खत्म करो यू डू नॉट रिक्वायर माई हेल्प फॉर इट इट इज एग्जैक्टली सेम एज महेश प्लीज जैसे महेश का प्रेजेंटेशन किया बिल्कुल वैसे ही करना स्टार्ट करो वन वन सिक्स आ जाएगा ओके okay, एक बार चेक कर लेना वन वन सिक्स आ जाएगा आई थिंक दैट विल एंड ऑफ योर स्टोरी फॉर दिस एंटायर क्वेश्चन प्लीज जो मिनिमम था बेटा वो कितना था वो एट्टी था ना एट्टी और वन वन सिक्स हायर वन वन सिक्स हो गया सबका चलिए तो लेट्स प्रोसीड सुनो अभी ना हम लोगों ने वो वाले क्वेश्चन कर लिए आर स्लाइटली ऑफ अ स्टैंडर्ड नेचर ठीक है नाउ वी बी डूइंग क्वेश्चन जहां पर पढ़ के ही तुम लोग को पता चलेगा और यहां पे शायद कोई भी एक नॉर्मल स्कीम वगैरह फिट ना हो ठीक है उससे पहले ध्यान से सुनना जरा प्लीज देखो अभी ना तुम लोग इनकम टैक्स आता है कि नहीं आता आई ऑनेस्टली डोंट नो ठीक है बट आई टीच यू चलो मेरे को थोड़ा बहुत तो थो आता है। अभी इनकम टैक्स के अंदर ना तुम लोग को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है तुम्हारे इनकम के ऊपर उसके लिए ना गवर्नमेंट हर साल टैक्स रेट्स डिसाइड करता है और टैक्स रेट्स जो होते हैं स्लैब्स के हिसाब से जाते हैं स्लैब्स के हिसाब से उसका मतलब एग्जाम्पल सपोज इस साल आई एम नॉट सी ऐसा हुआ ओके okay, मैं बस तुम लोग को एक एग्जाम्पल दे रहा हूं सपोज गवर्नमेंट ऐसा बोलता है अप टू टू पॉइंट फाइव लैक्स यूर इनकम टैक्स इज गुड बी जीरो टू पॉइंट फाइव लैक्स से लेकर फाइव लैक्स तक यू हैव टू पे टेन परसेंट फाइव लैक्स से लेकर टेन लैक्स तक यू पे ट्वेंटी परसेंट एंड अब टेन लैक्स यू ऑल पे थर्टी परसेंट ठीक है अभी क्या हुआ मैंने ना इस साल नौ लाख रुपए का इनकम मेरा हुआ ठीक है नौ लाख रुपए का इनकम अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ना दीज आर स्लैब रेट्स दीज आर स्लैब रेट स्लैब वाला जो वर्ड होता है ना वो बिल्डिंग्स के लिए यूज होता है लेकिन जब भी बिल्डिंग्स वो बनती हैं स्लैब वन स्लैब टू स्लैब थ्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ओके तो स्लैब्स यूजुअली राइज एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ये चीजें राइज हो रही है ठीक है अगर 9 लाख का तुम्हारा पगार है ना तो 9 लाख को मैं कितने हिस्सों के अंदर डिवाइड करूंगा जरा देखना फर्स्ट 2.5 पॉइंट फाइव पार्ट ऑफ 9 लाख, उसके ऊपर मेरे को जरा बोलो, टैक्स कितना पे करना पड़ेगा नील उसके बाद ढाई लाख से लेके पांच लाख तुम लोग इस पूरे स्लैब से पास हो ही रहे हो ना मतलब ढाई लाख रुपया तो ढाई लाख रुपए वाला तुम्हारा जो इनकम है वो इस बीच के अंदर आता है ठीक है इसके ऊपर टेन परसेंट बोले तो तू पच्चीस हजार रुपए का टैक्स देगा उस इनकम के ऊपर जो ढाई से पांच लाख तक है उसके बाद मेरे को जरा बोलो ढाई लाख हो गया ढाई लाख हो गया उसके बाद कितने रूपीज का इनकम रह गया four lakhs. Four lakhs. Four lakhs. Yeah. ये सारा का सारा का इसके अंदर आ जाएगा ना yeah. आप इसके ऊपर ट्वेंटी परसेंट का टैक्स दोगे बोले तो yeah. कितना एट्टी थाउजेंड सो टोटल टैक्स दैट यू विल बी पेइंग इज कितना रुपीज इट इज कॉल्ड एज स्लैब स्लैब स्लैबरेज एग्जाम्पल अगर आपको बिल्डिंग में टेंथ स्लैब तक पहुंचने का है तो आपको फर्स्ट स्लैब से भी पास होना पड़ेगा सेकेंड स्लैब से भी थर्ड स्लैब से भी फोर्थ स्लैब से भी सो ऑन एंड सो आप लोग डायरेक्टली टेंथ स्लैब तक नहीं पहुंच सकते कोई कोई सुपरमैन uh, या uh, वो आयन मैन वगैरह वो नहीं होता ओके नाउ इन दिस केस एक और चीज मेरे को जरा बोलो अगर सपोज तुम्हारा इनकम तेरह लाख रुपए का होता मेरे को बोलो विल दिस फिगर रिमेन एज इट इज विल सेकेंड फिगर रिमेन द सेम थर्ड फिगर रिमेन द सेम नो यहां पर चार लाख के बदले में कितना आ जाएगा पांच लाख ओके और मेरे को बोलो एक और स्लैब भी तो बनेगा वो कितने का थ्री लाख इसके ऊपर कितना थर्टी परसेंट तो कंप्यूट कर ले बेटा ये पच्चीस हजार हो जाएगा यह एक लाख रुपए का और यह यहां पर हो जाएगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पे ठीक है सपोज अपना जो फाइनेंस मिनिस्टर है ठीक है

थर्टीन लैक्स इंटू थर्टी परसेंट बोले तो थ्री पॉइंट नाइन लैक्स का ठीक है लेकिन वो करते जब इनकम टैक्स के ना कौन से रेट होते हैं स्लैब रेट्स इनकम टैक्स क्यों सिखाया इनकम टैक्स के अंदर स्लैब रेट्स होते हैं ना okay. है वैसे लेबर कॉस्टिंग के अंदर स्लाइडिंग स्केल्स होते हैं द डिफरेंस इज ओनली वन स्लैब रेट्स राइस स्लाइडिंग स्केल्स फॉल लेकिन उसका जो कंसेप्ट है उसका जो फंडा है वो वही है ठीक है और फ्लैट रेट्स को फ्लैट रेट्स ही बोलते हैं अगर सामने कुछ बोला कि स्लाइडिंग स्केल का फंडा है तो स्लाइडिंग स्केल का फंडा है अगर सामने कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज यूज फ्लैट रेट्स बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज यूज फ्लैट ठीक है तब आपको स्लाइडिंग स्केल के हिसाब से वो नहीं जाना है ठीक okay, है पे टाइटल दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है okay, ये title तो मैंने दिया हुआ है तो एग्जाम्स ये वाला टाइटल तो नहीं होने वाला लेट अस स्टार्ट व्हाट विल बी अर्निंग्स ऑफ द वर्कर राम इन शत्रुन एट 2.25 पर आवर व्हेन दे टेक 130 आवर्स इन 50 आवर्स टू डू द वॉल्यूम ऑफ द वर्क

बोनस इज फोर्टी परसेंट थर्ड टेन परसेंट फिफ्टी परसेंट फोर्थ टेन परसेंट उसके बाद सिक्सटी परसेंट एंड फॉर द रेस्ट इट विल बी सेवेंटी परसेंट ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं मैं क्या करता हूं राम को जो टोटल अर्निंग्स मिलेगा ना दैट विल बी सम ऑफ टू थिंग्स वन विल बी बेसिक वेजेस वन विल बी बोनस जो बोनस है उसके लिए स्लाइडिंग स्केल्स आ जाएगा ठीक है तो काम स्टार्ट करते हैं तो लिखो जरा तुम लोग मैं तुम्हारे लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं तुमको सबसे इजी चीज वो बता रहा हूं सबसे मुश्किल चीज आई लीव फॉर यू ऑल ओनली ओके तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए राम अच्छा बेसिक पेजेस तुम लोग सम देखो मेरे को बोलो राम का बेसिक इज विल बी व्हाट इनटू वट आंसर मत बोलो मेरे को बोलो वॉट इनटू व्हाट 130 टू वन थर्टी आर्स इंटू टू पॉइंट टू फाइव नो बेसिक वेजेस आर पेड फॉर द नंबर ऑफ आर्स दैट यू ऑल वर्क बॉस सो वन थर्टी आर्स इन टू टू पॉइंट टू फाइव टू नाइनटी टू पॉइंट फाइव प्लस बोनस अभी बोनस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन छोड़ दो उसके बाद लिखो शत्रुघन अच्छा बेसिक विचिस उसने पचास घंटे के अंदर काम खत्म किया टू पॉइंट टू फाइव वन वन टू पॉइंट फाइव प्लस बोनस चलो अभी तुम लोग क्या करना मेरे को सिर्फ राम का आंसर बता देना मेरे को शत्रुघ्न का आंसर नहीं चाहिए तुमको एक हिंट देता हूं मेरे को जरा बोलो फाइनेंस मिनिस्टर रेट्स ऑफ इनकम टैक्स कभी बताता है साल स्टार्ट होने से पहले के साल स्टार्ट होने के बाद होने के पहले, पहले? पहले। बजट आता है अप्रोक्सीमेटली इन द मंथ ऑफ फेब एवरी इटा बजट मतलब इट इज बजट मतलब एस्टिमेट्स इट इज फॉर द फ्यूचर ओके तो अगले साल का बजट मतलब अप्रिल से लेके मार्च तक क्या होगा उसका बजट दो महीने पहले फेब में आता है ओके okay? तो याद रखना रेट्स हैव टू बी नोन टू द वर्कर इन एडवांस शुड बी नोइंग एट वट रेट हीस चीज है तुम लोग काम कर रहे हो तुमको स्कीम होनी चाहिए। शायद ये वाला इनऑल यहाँ पे पांच मिनट दे रहा हूं अगर उससे पहले हो जाए तो मेरे को आंसर बता देना और शत्रुघ्न का भी फिर निकालने का ट्राई करना इफ आई सेट इज करेक्ट ठीक है तुमको बस ये पढ़ के और याद रखना ये स्लाइडिंग स्केल्स है फ्लैटरेट्स नहीं है ओके मेरे को तुम लोग आंसर देने का ट्राई करो सॉलिड क्वेश्चन है इफ यू गेट इट इज गुड ब्रिंग्स मारो ट्राई कृतिका गलत है सिमरन करेक्ट है मेह गलत है कृतिका गलत है आयुष गलत है साक्षी करेक्ट है ऋतिका रॉन्ग है कुशाल रॉन्ग है मानसी करेक्ट है उज्जवल करेक्ट है हर्षी रॉन्ग है राही चंडीगढ़ रोंगे वत्सल रोंगे शुभम रोंगे विजित रोंगे देव रोंगे रॉन्ग रोंगे ध्रुव रोंगे बोला था बहुत लोग का गलत आएगा सुनो उज्जवल रॉन्ग है सुनो उज्जवल मेरे को शत्रुघन का नहीं मालूम टू बी वेरी ऑनेस्ट ओके अगर फर्स्ट वाला करेक्ट था तो ये फिर वो करेक्ट ही होएगा ठीक है हिमांशु रॉन्ग है थोड़ा सा ही रॉन्ग है रोशन गलत है सुनो 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 देखो अभी ना कोई ऐसा बोल सकता है मेरे को सर आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो I'll try to prove whatever whatever I'll be doing is correct. देखो are entitled to time saved on sliding scale as follows. पहले मेरे को जरा बोलो बंदे ने टाइम कितना save किया लिखना जरा कोई colored pen है तो यहाँ पे लिख के रखना time saved seventy hours. Time saved seventy hours. ठीक है लोग ने क्या बोला है विद इन द फर्स्ट टेन परसेंट ऑफ सेविंग इन स्टैंडर्ड टाइम अगर ये लाइन को तुम लोग लिटरली ऐसा ही इंटरप्रेट करोगे ना तो दिमाग में एक चीज हमेशा आएगा सर टेन परसेंट ऑफ सेवेंटी हैज ही सेव द फर्स्ट सेवन आवर्स तुम्हारे दिमाग में ऐसे आएगा पहले मेरे को जरा बोलना तुमको ही समझा कि नहीं समझा ओके okay. लेकिन अगर ऐसा तुम्हारे दिमाग में आया तो आंसर गलत आएगा ओके okay. क्यों क्योंकि अगर ऐसा सोचोगे ना मेरे को जरा बोलो सेवेंटी का भी पता चलेगा फर्स्ट डे के लास्ट डे सोच के बोलना लास्ट डे जब एक्चुअल परफॉर्मेंस वो पता चलेगा एंड वी कैन नॉट वेट टिल द लास्ट डे टू फिक्स द रेट्स वी नॉट बी डूइंग दैट ओके अ वर्कर शुड बी नोइंग ऑल द स्कीम्स इन एडवांस यार तो ये वाला जो लाइन है ना इसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऐसा होएगा सेविंग ऑफ फर्स्ट टेन परसेंट इन स्टैंडर्ड टाइम अगर ऐसा हुआ तो बोनस इज थर्टी परसेंट ऑफ टाइम सीड दैट लाइन टू बी इंटरप्रेट लाइक दिस सर फिर ऐसा हमारे साथ मजाक क्यों करता है कोई ओके okay. मजाक नहीं करता माइट बी दिस इज वे ऑफ राइटिंग ओके बट इट टू बी इंटरप्रेटेड लाइक दिस ओनली

ट्वेंटी तो मेरे दिमाग में क्या आएगा सेव द फर्स्ट ट्वेंटी गलत क्या था सेव अरे तुमको समझ में आता है सो इट हैज सेव द फर्स्ट ट्वेंटी आवर्स ओके इफ ही हैज सेव द फर्स्ट ट्वेंटी आवर्स तो आप उसको बोनस दे देना थर्टी परसेंट का जस्ट वेट जस्ट वेट ये तुम लोग नहीं लिखना uh... सेविंग ऑफ फर्स्ट टेन परसेंट इन स्टैंडर्ड प्लीज नहीं लिखना बिकॉज यू ऑल विल राइट इट हैज टू फिट इन अके बोनस इज इक्वल टू थर्टी परसेंट ऑफ टाइम सेव्ड थर्टी परसेंट ऑफ टाइम सेव बोले तो थर्टी परसेंट ऑफ ट्वेंटी आवर्स मैं इसी स्लैब का बात कर रहा हूं बेटा मैं इसी स्लैब का बात कर रहा हूं ठीक है सो आंसर यहां पे आ जाएगा सिक्स आवर्स ठीक है याद रखना अगर ये ट्वेंटी आवर्स है ना बेटा ये सिक्स भी जो है ये आर सी तो है ओके अब फर्स्ट वर्क इज ओवर अभी मैं सेकेंड लाइन पढ़ रहा हूं मेरे को जरा बोलो हैज ही सेव द नेक्स्ट टेन पर्सन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम ऑल्सो ये सो दे यहां पर आ जाएगा सेकेंड टेन परसेंट ठीक है तो यहां पे बोनस विल बी थर्टी परसेंट ऑफ टाइम सॉरी 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 फोर्टी परसेंट ऑफ टाइम सेवर्टी परसेंट ऑफ टाइम सेव बोले तो फोर्टी परसेंट ऑफ ट्वेंटी अच्छा एक और चीज बोलो. दर्ड टेन परसेंट ऑल्सो थर्ड टेन परसेंट ठीक है सो थर्ड टेन परसेंट इन स्टैंडर्ड टाइम तो बोनस विल बी फिफ्टी परसेंट ऑफ टाइम सेव इसलैब के अंदर बंदे ने बीस घंटे बचाए बेटा देव so फोर यहां पर आ जाएगा टेन मेरे को जरा बोलो अभी तक उसको कितने आर्स की सेविंग का बोनस अलॉट कर दिया सिक्सटी सिक्सटी ट्वेंटी 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 तो जितना आर्स बचाने के लिए बोनस अभी तक दे सकता था वो दे दिया ठीक है अच्छा अब मेरे को जरा बोला क्या उसने पूरा का पूरा फोर्थ टेन परसेंट बचाया नहीं उसने उसके अंदर कितने आर्स बचाए बेटा टेन आर्स फोर फोर्थ टेन परसेंट सिक्सटी परसेंट ऑफ टाइम सेव घोंचू की तरह सिक्सटी परसेंट ऑफ ट्वेंटी नहीं करना आगे बोलो टेन तो ये आ जाएगा सिक्स तो मैंने सेवेंटी आवर्स के लिए बंदे को बोनस दिया थर्टी का लेकिन सबको समझ में आएगा ये थर्टी जो है आगे बोलो ना कोई ये आरस है बेटा इतने आर्स का बोनस मैंने आर्स का ही कुछ परसेंटेज लिया तो आर्स या आएगा ना आंसर ओके okay. लेकिन मेरे को तो रुपीस के अंदर चाहिए तुम्हे तो को जरा बोलो अभी मैं वर्कर को ये तो नहीं बोलूंगा भाई तू थर्टी आवर्स का बोनस ले जा थर्टी आवर्स का बोनस मतलब आई विल मनी नो बोलो को के के अंदर कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई बेटा इंटू रेट पर आर कितने का टू पॉइंट टू फाइव द मोमेंट बी डू दैट सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव तुम्हारा जो टोटल अर्निंग्स आ जाएगा दैट विल बी इज इज ओके ये खत्म करो और शत्रुघ्न की कहानी जो है वो खत्म करो शत्रुगण के लिए एक लाइन और आएगी क्योंकि वो फिफ्थ स्लैब तक भी पहुंचेगा दूसरे का आंसर जब आ जाएगा प्लीज मेरे को मैसेज कर देना बोनस कितने है? आर्स का आता है बेटा एटी फाइव ठीक आई एम शोइंग द क्वेश्चन फॉर people पीपल बुक इज अ प्रॉब्लम हाँ 303 मैंने यहां पे लिखा था 3.03.75। 30 सेकंड्स सेकेंड्स और दे रहा हूं प्लीज फिनिश ऑफ योर जॉब। जॉबी फाइव है हाँ 85 फाइव आवर्स का आ रहा है बेटा डेज का नहीं आवर्स एटी आवर्स का बोनस आ रहा है अपार्ट फ्रॉम बेसिक पेजेस ठीक है चलिए सुनिए ये वाला काम हो गया इस क्वेश्चन के शॉर्ट्स के नजरा देखना व्हाट आई हैव रिटन बोल ये हो वो हो गया कि नहीं वी विल नॉट इवन ट्राई टू टॉक ऑफ इट आल्सो ओके वो वाली चीज के बारे में अपने को बात करने का कोई यूज नहीं है फर्स्ट स्कीम इज गिवन स्लाइडिंग स्केल्स आर समथिंग लाइक स्लैब रेट इन इनकम टैक्स यू गो स्लैब वाइज एंड डिसो ने हर ट्वेंटी ट्वेंटी का बोनस अलग से डिसाइड किया स्लाइडिंग स्केल्स हाउ टू बी नोन इन एडवांस दी अब लाइन विद इन द फर्स्ट टेन पर्सन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम should should be be interpreted as saving of first 10 in standard time Again, flat flat rates rates we directly go to the rate next problem problem by default problem should always be solved based upon flat rates. that's it सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन ना मैं नहीं पढ़ने वाला हूं तुम लोग पढ़ो यहां पे कुछ नहीं बोला तो क्वेश्चन फ्लैट रेट्स के हिसाब से ही सॉल्व होएगा ठीक है तुम्हारे पास पांच मिनट है वहां पे तीन वर्कर लोग हैं बहुत पिक्चर देखते हो तो नाम भी तुम लोगों को समझ में आ ही जाएगा तुम लोग मेरे को यहां पे तीन आंसर्स निकाल के दो अमर अकबर एंथनी तो तीनों के ज्यादातर लोग के आंसर्स करेक्ट ही हैं। इतने लोगों ने रिप्लाई दिया साक्षी करेक्ट मानसी करेक्ट आयुष महक उज्जवल ने उल्टा लिखा लेकिन करेक्ट है आदर्श करेक्ट हिमांशु करेक्ट महक करेक्ट विदुषी करेक्ट प्रतिका प्रीतिका आपने से बोनस दिया बेटा एट द बेसिक वेज़ेस विदुषी गलत है बेटा आपने शायद फ्लैट रेट अप्लाई कर दिया रोशन गलत है कनिष्का करेक्ट वैष्णवी करेक्ट आ, रिया करेक्ट तन्मे रॉन्ग आयुष करेक्ट हर्षी करेक्ट हर्षी रॉन्ग है बेटा हर्षी रॉन्ग है चलो सुनो Uh, मैं ओरली कर दूं शाम देन विल ट्राई टू प्रेजेंट इट देखो हंड्रेड आवर्स का जॉब इस बंदे ने सिक्सटी आवर्स के अंदर खत्म किया बोले तो फोर्टी आवर्स बचाया फोर्टी आवर्स इज ऑल्सो फोर्टी परसेंट कुछ नहीं बोला तो फ्लैट रेट्स है तो फोर्टी परसेंट के लिए ट्वेंटी परसेंट ऑफ टाइम सेव्ड का बोनस ओके okay. तो सिक्सटी आवर्स के अंदर खत्म किया सिक्सटी आवर्स इंटू वन सिक्सटी रुपीज का वेजेस प्लस फोर्टी परसेंट बचाया तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ टाइम सेव सेव टाइम सेवर्टी आर्स ट्वेंटी परसेंट ऑफ फोर्टी बोले तो एट एट आवर्स का बोनस मतलब एट रुपीज का बोनस एट रुपीज का बोनस ओके क्योंकि रेट पर आर इज रुपी बन तो आंसर सिक्सटी एट आ जाएगा तो अमर का टोटल वेजेस विल बी सिक्सटी एट ठीक है प्रीतिका आप आपने फर्स्ट वाला वो गलत किया ठीक है चलो विल स्टार्ट अवे थिंग्स यू ऑल राइट ऑन प्लीज लिखिए नंबर थर्टीन स्टार्ट कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेजेस या टोटल अर्निंग्स ऑल कैन राइट डाउन ऑफ द थ्री वर्कर्स अमर अकबर एंथनी चलिए। फर्स्ट टाइम अलाउड हंड्रेड 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 Second, time taken uh, sixty seventy ninety five. Third, time saved forty hours, thirty hours, five. Fourth, percentage of time saved to time allowed. This is time allowed, time taken. टाइम सेव्ड तो ये फोर्टी परसेंट आ जाएगा ये थर्टी परसेंट आ जाएगा ये फाइव परसेंट आ जाएगा फिफ्थ बोनस टू बी गिवन ऑब्वियसली ये टेक्स्ट बुक से मैं देख रहा हूं ट्वेंटी परसेंट ऑफ टाइम सेव्ड बोले तो फोर्टी तो एट आवर्स अच्छा यहां पे थर्टी परसेंट टाइम बचाया फिर से ट्वेंटी परसेंट ही आएगा ना लेकिन ट्वेंटी परसेंट ऑफ टाइम सेव्ड, सिक्स आवर्स और यहां पर टेन परसेंट बचाया ना टेन परसेंट ऑफ टाइम सेव टेन परसेंट ऑफ फाइव पॉइंट फाइव आवर्स बोनस इन रूपीज एट द रेट ऑफ रुपी वन पर आर तो एट सिक्स एंड पॉइंट फाइव सेवेंथ बेसिक वेजेस भी ऐड करने का है बेसिक वेजेस एट द रेट ऑफ रुपी वन पर आर तो जितने आर्स काम करेगा उतने आर्स का बेसिक वेजेस ना सिक्सटी सेवेंटी नाइनटी फाइव लास्ट वन टोटल वेजेस टोटल बीचेस सेवेंटी सिक्स नाइनटी फाइव पॉइंट फाइव ये हो गया बेटा सबका Yeah, चलो किसी uh, ने रिप्लाई नहीं किया मतलब हो गया थैंक यू ओके सुनो लास्ट दो क्वेश्चन है वांट टू फिनिश ऑफ दैट जल्दी हो जाएगा सो देन ऑल गो सुनो मेरी बात अभी अपने दो क्वेश्चन जो है ना दीज आर ऑल अबाउट ग्रुप बोनस स्कीम्स। अभी ग्रुप बोनस स्कीम्स क्या होता है एग्जाम्पल जब से धोनी कैप्टन था सपोज मैं बीसीसीआई का हेड था तभी मैंने पूरी क्रिकेट टीम को बुलाया और मैंने बोला अगर वर्ल्ड कप जीतेगा ना तो पूरी टीम को दस करोड़ रुपए का बोनस मिलेगा ठीक है 2011 की बात थी चलो तो उनको ऐसा बोला कि अगर वर्ल्ड कप जीतोगे पूरी टीम को दस करोड़ रुपए का बोनस देगा वो लोग बोलते ठीक है तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू ट्राई टू थिंक हैज द टीम परफॉर्म गुड इफ द टीम हैज परफॉर्म गुड इफ दे हैव वन द वर्ल्ड कप यू गिव देम 10 करोड़ रुपीज का बोनस और उसके बाद कुछ ना कुछ रूल्स कंपनी सेट करता है कि ये दस करोड़ रुपए का जो बोनस है ये टीम मेंबर्स के अंदर कैसे डिवाइड होगा रियल लाइफ ऑल्सो ग्रुप बोनसम वैसी काम करते हैं ग्रुप बोनस स्कीम मतलब हम लोग एक टीम को टारगेट देते हैं कि भाई अगर एज अ टीम यू परफॉर्म गुड नो देव यू दिस मच अमाउंट ऑफ बोनस एंड देन देर विल रूल टू इन क्वेश्चन इट सर दैट विल ट्राई टू टेल यू दैट ये वाला जो बोनस है डिवाइड कैसे होगा वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टीम के अंदर कई लोग एफिशियंट हो सकते हैं टीम के अंदर कई लोग इन एफिशियंट हो सकते हैं वेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ग्रुप बोनस यू डोट ट्राई टू थिंक कोहली पे आउट हुआ या धोनी ने वो हंड्रेड मारा या धोनी जीरो पे आउट हुआ वी वी डोंट ट्राई ट्राई टू टू बी बी थिंकिंग थिंकिंग दैट ओनली ओके कि भाई ओवरऑल टीम जीता कि नहीं जीता अगर ओवरऑल टीम ने अच्छा काम किया तुम लोग एक टीम को बोनस दे दो और आगे सम कुछ ना कुछ रूल्स देगा ये वाला बोनस डिवाइड कैसे करने का अमंग द दीर ग्रुप मेंबर्स ठीक है हर एक क्वेश्चन ग्रुप बोनस का ऐसी अप्रोच करने का डोंट सी इंडिविजुअल एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी सी टीम्स एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी ठीक है तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने पास दो क्वेश्चन है ऑन ग्रुप बोनस विच वी वॉन्ट टू कवर इट अप अपूडे ओके सो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आएंगे प्लीज पढ़ी इन अटन मेन वर्क एस अ ग्रुप द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप एक सी जी स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ टू हंड्रेड पीसे मैन इज पेड एंड इंसेंटिव फॉर द एक्सेस प्रोडक्शन इन एडिशन टू हिज वेजेस एट आर डेट्स तो वो लोग क्या बोल देते हैं कि ना टेन मेन वर्क एज ग्रुप वेन द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप एक्सीड स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ टू हंड्रेड पीसेज पर हर बंदे को यहां पे बोनस मिल जाता है इंसेंटिव इज अभी प्रोडक्शन ओवर दू दोडक्शन तुमको वर्ड बाद में सोचने पड़ेंगे ईच मैन इज पेड एन इंसेंटिव एट द रेट ऑफ दिस परसेंटेज दिस परसेंटेज बोले तो जो इधर कंप्यूट किया एट द रेट ऑफ एट द वेज रेट ऑफ रुपीज टू पर आर यह लाइन का मतलब तुमको अभी समझ में नहीं आएगा बट दैट ओके आई एम स्टिल ट्राइंग टू बी रीडिंग इट देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल वर्क मेन सैलरी रेट एट द बोनस रेट इन अक आर वर्क आर फाइव हंड्रेड एंड टोटल प्रोडक्शन इज वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड पीसेस तुम लोग सिर्फ पार्ट ए का आंसर देने का ट्राई कर रहे हो कंप्यूट द टोटल वेजिस सॉरी कंप्यूट द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस फॉर द वीक मतलब टोटल अमाउंट ऑफ ग्रुप बोनस ठीक है छह लाइन का सम है छह या सात लाइन का तुम लोग मेरे को पार्ट ए का आंसर दो पार्ट बी आई टेक है लेकिन पार्ट ए का तुम लोग आंसर दो जैसे एक सम क्या था आज का अपना फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज बोनस प्लान एक-एक लाइन पढ़ो इंप्लीमेंट करते रहो एंड तक तुम्हारा आंसर खुद ब खुद आ जाएगा मैं तुम लोग को 4 मिनट देता हूं साक्षी करेक्ट उज्जवल हॉरिबली रॉन्ग कृतिका शायद कोई कैलकुलेशन एरर है मेरे को ऐसा लगता है मेहक इट इज हाफ द परसेंटेज ऑफ जरा चेक करना एक बार शायद उसकी वजह से गलती हो हर्षी रॉन्ग है रोशन सॉलिड गलत है बेटा परसेंट है परसेंट परसेंटेज है प्रतिका गलत है तन में सॉलिड गलत है चलो सुनो अभी देखो जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता प्लीज कुछ लिखना मत क्योंकि आई वुड बी चेंजिंग फ्यू थिंग्स देखो in a unit 10 men work as a group okay आगे क्या लिखा है? When the production of the group exceeds standard output of 200 pieces an hour, each man is paid an incentive for the excess production in addition to his wages at hourly rates. ठीक है? तो तेरी wages तो तेरे को मिली जाएंगी, लेकिन तेरे को उसके अलावा bonus भी मिलेगा, ठीक है? पहले मेरे को जरा बोलो, did the output exceed 200 pieces an hour? Yes. यस yes. क्योंकि ये वाला एक लाइन है इन अ वीक आर्स वर्क डॉव हंड्रेड एंड टोटल प्रोडक्शन इज वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड देखो आपको ना यहां पर एक्सेस प्रोडक्शन निकालने का है तो एक्सेस प्रोडक्शन के लिए मेरे को ऐसा ही सोचना पड़ेगा पांच सौ घंटे के ना एक लाख बीस हजार यूनिट बना है लेकिन मेरे को एक्सेस प्रोडक्शन निकालने के लिए एक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी पांच सौ घंटे के अंदर आग, आप लोग आगे कंटिन्यू करो दो सौ कितना यूनिट्स आगे बोलो बनना चाहिए था ठीक है तो एक सेकेंड प्लीज यू ऑल आर नॉट राइटिंग नाउ सुनो तो एक्चुअल प्रोडक्शन इन एक्चुअल प्रोडक्शन इन 500 हंड्रेड आवर्स ठीक है दर इज वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट लेस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 500 हंड्रेड आवर्स एट द रेट ऑफ टू हंड्रेड यूनिट्स पर आर तो ये वाला फिगर कितना आ जाएगा वन लाख तो मैं ना अभी स्ट्रिक्टली वर्ड्स के हिसाब से ही जा रहा हूं मैं अपने हिसाब से तो ऑनेस्टली uh, एक काम भी नहीं करूंगा ध्यान से पढ़ना जरा प्लीज ध्यान से पढ़ना द इंसेंटिव इज एट हाफ दर्सेंटेज ऑफ ये परसेंटेज निकालेंगे एक्सेस प्रोडक्शन ओवर दी स्टैंडर्ड एक मिनट ये जो ट्वेंटी थाउजेंड है जरा सोचो दिस इज एक्सेस ओवर द स्टैंडर्ड नो

इसको इससे डिवाइड करके पहले एक परसेंटेज निकालना ठीक है वो वाला जो परसेंटेज है विल बी कमिंग एज नो इज ओके फॉर अभी अभी उन अभी उन लोगों ने क्या बोला इसका हाफ मारना ठीक है हाफ ऑफ दी परसेंट तो ये वाला चीज कितना आ जाएगा टेन परसेंट ठीक है तो ये आ गया टेन परसेंट अभी टेन परसेंट किसका अप्लाई करने का है अभी जब तक सम खत्म नहीं होएगा ना कोई भी चीज यहां पर कॉपी नहीं करेगा सुनो मेरी बात ये जो टेन परसेंट है ये किसका है ओके okay. ये जो टेन परसेंट है आ, यहां से पढ़ रहा हूं ईच मैन इज पेड एन इंसेंटिव एट द रेट ऑफ दिस परसेंटेज दिस परसेंटेज बोले तो टेन परसेंट ऑफ वेज रेट ऑफ रूपीज टू पर आर तो ये जो टेन परसेंट है ना दिस हैज टू बी अप्लाई टू वेज रेट ऑफ रूपीज टू पर आर तुम लोग नहीं लिखना प्लीज तुम्हारा पोपट होएगा बोनस इज इक्वल टू टेन परसेंट ऑफ वॉट वो तो सामने दिया रूपीज टू पर आर सो दिस पर्टिकुलर थिंग विल बिकम पर आर मतलब फॉर एवरी आर देखो अगर ये रुपीज टू पर आर था उसका टेन परसेंट मारेगा तो अपने को समथिंग पर आर ही मिलेगा ना सो so, बोनस का जो रेट है विल बी पर पर आर ये पर आर ये का अपने लिए मतलब क्या होगा ये तो पर आर का बोनस है ना मतलब अगर वर्कर आगे बोलो एक घंटा काम करेगा तो उसको अगर एक घंटा वर्कर ने काम किया रहेगा हम लोग उसको पॉइंट टू का बोनस जो है वो दे देगा ठीक है बस माई जॉब इज अबाउट टू बी एंडिंग सो फॉर टोटल बोनस मेरे को बोलो सारे वर्कर लोगों ने मिलाकर कितने घंटे काम काम किया बेटा फाइव हंड्रेड सो देव फॉर दिस पर्टिकुलर फिगर विल बी नथिंग बट हंड्रेड अभी ना उधर सम के अंदर लाइन है जो ऑनेस्टली अगर शायद मैं नहीं बोलू ना तुम तो लोगों को स्ट्राइक भी नहीं होगा देखो ये वाला लाइन क्या है सुनो देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल वर्कमेन सार्ली रेट एंड बोनस रेट अगर मेरे को ये चीज तुमको एक्सप्लेन करना है ना मेरे को तुमको पार्ट बी पर लेके जाना पड़ेगा बराबर से पढ़ना सुनो पार्ट बी के ना क्या लिखा है कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स ऑफ द टू वर्कर्स ए एंड बी ऑफ द ग्रुप ए हैज वर्क फॉर 44 आवर्स एंड हिज बेसिक वेज रेट वाज 2.2 बी हैज वर्क फॉर 48 आवर्स एंड हिज बेसिक वेज रेट वाज 1.9 सुनो तो मेरे को ना ए का टोटल वेजेस चाहिए ठीक है ए का टोटल वेजेस चाहिए बराबर से सुनना मेरी बात ए का जो बेसिक वेजेस है को जरा बोलो ए का बेसिक वेजेस विल बी वॉट इंटू वॉटी फोर फोर्टी फोर इंटू टू पॉइंट टू ये वाला चीज अगर मैं करूं तो फोर्टी फोर नाइनटी सिक्स पॉइंट एट ठीक है सुनो जो बंदे को बराबर से सुना सब लोग जो बंदे को जब बंदे को आपने को बेसिक वेजेस पे करने का है ना आप लोग उसको बेसिक वेज रेट अप्लाई करो लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द ग्रुप नो उसको ग्रुप बोनस भी तो मिलना चाहिए सो इन दिस पर्टिकुलर केस प्लस बोनस ठीक है अभी मेरे को बोलने का ट्राई करना और गलत मत बोलना ठीक है माई एक्सप्लेनेशन विल वंस सब लोग रिप्लाई करो मेरे को जरा बोलो बंदे को मैं बोनस कितना दूस मैं बोनस कितने का दू बेटा मेरे को रुपीस के अंदर तो सब लोग बोलो ना मेरे को रुपीस के अंदर तो बोलो ना उस बंदी को मैं बोनस कितना दून रुपीस। टेन रुपीस ऑब्वियसली नॉट व्हाट इनटू व्हाट आई विल बी मेरे को बोलो इंटू वट फोर्टी फोर इंटू पॉइंट टू जब भी बोनस मिलेगा ना उनको उन लोगों को बोनस किस रेट से मिलेगा पॉइंट टू के हिसाब से तुमको समझा ये चीज अच्छा रुको अगर नहीं समझा तो तो वेट करना थो, थोड़ी देर के लिए मेरे को बोलो 44 फोर इंटू पॉइंट टू वो कितना होता है बेटा यार ये या सुन, दोनों को एड करू ना दिस इज नाइनटी सिक्स पॉइंट एट ना दिस इज 96.8 105.6 सेम वे तुम लोग बाद में बी का कर लोगे देखो अब शायद तुमको ना धीरे धीरे कई चीजें मैं समझा पाऊंगा देखो सम के अंदर एक लाइन है देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल वर्कमैन आर्ली रेट एंड द बोनस रेट मेरे को जरा बोलो वर्कर ए का इंडिविजुअल आर्ली रेट कितना था टू पॉइंट बोलो टू पॉइंट टू और उसका बोनस का रेट कितना था पॉइंट टू वो लोग क्या बोलता है कि ना इस फिगर का और इस फिगर का आपस में कुछ ताल्लुक नहीं है ओके सली मैंने टेन परसेंट टू पॉइंट टू का थोड़ी लिया मैंने टेन परसेंट किसका लिया मैंने टेन परसेंट तो किसका लिया था मैंने टेन परसेंट लिया था रुपीज टू पर आर का ये लोग क्या बोलता है कि जब हम लोग तुम लोग को बेसिक वेजेस देगा ना जब हम लोग तुम लोग को बेसिक वेजेस देगा ओके बेसिक वेजेस तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो नहीं बोलने का ठीक है तब हम लोग अज्यूम करेंगे कि तुम्हारा जो वेज रेट है ना वो कितने रुपीज का है टू पर आवर लेकिन जब हम लोग तुम लोग को बेसिक वेजेस देंगे हम लोग तुम्हारा एक्चुअल रेट यूज करेंगे सुनो, सुनो सुनो अगर ये चीज नहीं समझा थोड़ा सा डीप सोचते हैं तो तुमको समझ में आएगा इस क्वेश्चन के ना ऐसा ही होना चाहिए ऐसा बोले तो बराबर से सुनना देखो मेरे को बोलो ए ने कितने घंटे काम किया सब लोग बोलो सब लोग बोलो फोर्टी फोर अगर मेरे को सम के अंदर वो वाला लाइन नहीं दिया रहता ना कि वो टेन परसेंट किसका लेने का है ठीक है अगर मेरे को वो वाला लाइन वो नहीं दिया रहता कि टेन परसेंट वो किसका लेने का है तो ऑब्वियसली मैं एक कॉमन सेंस चीज ही सोचता कि सर टू पॉइंट टू का ही लेगा ना तो जरा सोचो उसको यहां पर पॉइंट टू टू का बोनस के हिसाब से उसको वो बोनस का जो अमाउंट है वो मिल जाएगा मेरे को जरा बोलो बी के लिए बी के लिए इट विल बी कितना आर्स बोलो 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 48 एट आवर्स लेकिन दिस विल बी गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 0.19 और तुमको अभी ये समझ में आएगा ये तो एक वर्कर है ये तो दूसरा वर्कर है ऐसे अपने पास कितने वर्कर्स थे 10. अपने पास दस वर्कर थे ये टोटल दस वर्कर्स के आर्स का 500 सौ हो होगा अरे ये और नो लेकिन तुमको इतना समझ में आएगा उसका टोटल शायद हंड्रेड ना आए लेकिन लेकिन अभी क्या हो जाएगा जब भी तुम लोग बंदे लोगों को बोनस दोगे ना उनको बोनस किस रेट से दोगे जीरो पॉइंट टू बोनस के लिए ऑल एव अज्यूम कि तुम्हारा जो वेज रेट है बोनस के लिए ऑल एव अज्यूम कि तुम्हारा जो वेज रेट है वो कितने रुपीज का है रूपीज टू पर आर तो हम लोगों ने उसी का टेन परसेंट लिया बोले तो पॉइंट टू ठीक है अभी तुमको ये समझ में आएगा हर एक बंदे को बोनस मिल जाएगा एट द रेट ऑफ पॉइंट टू तो टोटल ऑफ ऑल दी विल सौ एंड पांच सो इन टू बोलो ना एक कॉमन यहां पे जीरो पॉइंट टू दिस विल बी इक्वल टू हंड्रेड एंड दिस विल बी ब्रेकअप ऑफ हंड्रेड नो yes, अगर मैंने कभी टेन परसेंट एक्चुअल वेज रेट का लिया तो उसका टोटल शायद हंड्रेड ना आए तो लास्ट टाइम मेरे को जरा बोलो जब ही वर्कर को उसका बेसिक वेजेस मिल रहा है सपोज वर्कर एक ही कहानी है मेरे को जरा बोलो जब वर्कर एक को उसका बेसिक वेजेस मिल रहा है किस रेट के हिसाब से मिल रहा है मेरे को नंबर बोलो ना

मतलब देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू पॉइंट टू एंड जीरो चीज है ये अलग चीज है ठीक है आई एम ऑल डन माई जॉब इज डन मैंने ना वर्कर ए का सब कुछ खत्म कर दिया है ये आपका काम हो जाए फिर आप वर्कर बी का भी जो काम है वो आप लोग खत्म कर लेना ठीक है यू ऑल कैन कॉपी डाउन दिस फिनिश ऑफ पार्ट ए पार्ट बी के अंदर वर्कर ए की स्टोरी आई हैव डन वर्कर बी की स्टोरी यू विल हैव टू बी डूइंग वर्कर बी का बेटा तो वो कितना आता है हंड्रेड हंड्रेड हिमांशु इफ देर आर सम इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन दैट्स इट दैट टाइम वी कैनॉट ट्राई टू आर्ग्यू द लॉजिक्स ओके दैट लाइक यू नो वाई इट इज लाइक दिस अगर सम के ना कुछ इंस्ट्रक्शन हैं आप वो दे दीजिए बस चलिए सुनिए आज एक काम करते हैं विल स्टॉप ओवर हियर ओनली क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो मेरे को ये वाला जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट वो नहीं रखना है ओके सो आई थिंक विल स्टॉप अवे विद द लेक्चर विल मीट अप नेक्स्ट टाइम